शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रोशनी, अबे बहुत चक्कर आ रहा है। सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसा लग रहा है जैसे सर फटा जा रहा है। इसीलिए मैं मना कर रहा था तुम्हें व्रत रखने से। चलो कोई नहीं, तुम आराम करो, मैं आ गया हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। स्त्री में जान है नहीं, और हमारे अभय के लिए जान देने पर तुली हुई है। अरे जब व्रत रख ही नहीं सकती तो रखा ही क्यों इसने? अरे बस नाटक कर रही है, कोई व्रत व्रत नहीं रखा है इसने। अरे हमने खुद इसे चाट के चटकारे लेते हुए देखा है मंदिर के पास बाजार में। अगर व्रत नहीं रखना है तो उसमें कोई गलत बात थोड़ी है। अरे ये फैसला तो अपने मन से आता है। अगर भगवान के नाम पे झूठ बोलना, किसी के विश्वास के साथ खिलवाड़ करना, ये बहुत गलत किया है इसने। रोशनी, जब तुम जानती थी कि व्रत रखने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है तो क्यों रखा फिर? अब है तुम्हारी रक्षा करने के लिए बस 3 दिन का व्रत तो मैं रख ही सकती हूँ ना। तुम दोनों ही मेरी बात नहीं सुन रही हो। देखो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, समझो। रोशनी, अभय बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी ने तो खाना खाने के लिए कदम बढ़ाया, हम सब मिलके खाते खाना। अरे नहीं अभय, आप पहले रोशनी को खिलाइए, इसने आपके लिए व्रत रखा था, देखिए ना कैसी हालत हो गई है इसकी। हाँ रोशनी। नहीं अभय, तुम श्रद्धा को खिलाओ ना, देखो ना उसको कितनी चोट लगी है, और फिर दवाई खाने के लिए उसे खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, तुम उसे खिलाओ। अरे अरे अरे, तुम इसको छोड़ो, तुम अपनी डॉक्टर रानी को खिलाओ। देखो अगर उसे चक्कर आ गया और बेहोश हो गई तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? ये तो बुआ आपने एकदम सही बात कही। रोशनी क्यों खाओ? नहीं अबे मैं तुम्हें मेरी कहता हूँ। हम भी तुम्हें एक निवाला खिला देते हैं, रुको ये लो खाओ। नहीं आंटी जी, मैं वो सब लोग पुण्य कमा रहे तो हम कैसे पीछे रह सकते, हम भी खिलाएंगे। नहीं, नहीं, रोशनी तुमने पराई होने के बावजूद भी मेरे पति के लिए व्रत रखा, इतना कुछ किया उनके लिए, एक निवाला मैं भी खिलाऊंगी तुम्हें। हाँ जरूरत नहीं है श्रद्धा, वो बंगाली बाबू के यहाँ से जो रसगुल्ले आए हैं वो भी ले आओ। अरे हाँ, हमने रोशनी के लिए उसका खास मन पसंद चाट बनवाया है, वो भी ले आते हैं। हाँ नहीं, मुझे नहीं खाना कोई चाट, मैं सुबह खा चुका। क्या है? लो बताओ। मतलब कि ये सब नाटक था? जवाब दो रोशनी, जब मैंने तुम्हें खुद व्रत रखने से मना किया था तो झूठ क्यों बोला तुमने?
चलिए ऋतु, भोग की तैयारी भी तो करनी है श्रद्धा के लिए। चलिए भाभी, हमारा काम तो हो गया। अभय, तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, उल्टा तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि मैंने ये व्रत नहीं रखा। लेकिन नहीं, तुम मन ही मन उम्मीद कर रहे थे कि मैं भूखी रहूं, है ना? आखिर तुमने ना साबित कर ही दिया कि तुम भी बाकी मर्दों की तरह हो दोगले। चुप, एक शब्द नहीं कहोगी रोशनी अब तो, और सिर्फ सुनोगी। अभय ने हम दोनों को व्रत रखने से मना किया था इसलिए नहीं कि वो हम दोनों को परख रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हम दोनों को तकलीफ में वाकई नहीं देख सकते हैं। इतना तो समझती हो ना तुम अपने प्यार के बारे में। अभय कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर झूठ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर तुम अभय को पूरे दिल से प्यार नहीं कर सकती तो कम से कम ये क्यों भूल जा रही हो कि तुम एक डॉक्टर हो। तुमने अभय को नहीं देखा कितने दर्द में है वो, और उसके बावजूद भी वो हम दोनों का ख्याल रख रहे हैं। रोशनी, प्यार का सबसे पहला उसूल होता है विश्वास, और सबसे बड़ा दुश्मन झूठ। कम से कम इतना तो जानती होगी ना तू अपने प्यार के बारे में। जिस भरोसे की उम्मीद मैं तुमसे रखता हूँ, वो मुझे श्रद्धा से मिल रही है। मेरी बात तो सुनो। मेरा भांडा फोड़ के तुम अभय के दिल में अपनी जगह बना लोगी? नहीं श्रद्धा, बिल्कुल भी नहीं। मैं हार नहीं सकती। कुणाल, अब हमें कुछ बड़ा सोचना होगा। उस श्रद्धा को रास्ते से हटाना होगा हमेशा हमेशा के लिए। आज की तपस्या तुम्हारी पूरी हो या ना हो श्रद्धा, लेकिन अभय को पाने की मेरी तपस्या आज रात पूरी होगी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।